इनको तो लात मार के निकाला है, ये तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे थे। इन्होंने चौटाला साहब के साथ धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा गोंदा, दो बचेंगे माँ बेटा उनमें भी रोड़ा पड़स गए। आप देखना ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, इनके यहाँ ईडी भी आएगी, इनके यहाँ सीबीआई भी आएगी, इनके यहाँ बहुत कुछ होगा। ये पैसे के बंटवारे का रोड़ा है, ठगों का गिरोह था, लुटेरों का गिरोह था, जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। झूठ बोलता है, ये भी एक झूठ है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर उसको ये एक ऑफर दी जाती है तुम रोहतक से लड़ लो जाकर के, तो वो तो एक मिनट लगाता, वो तो छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो धक्के मार के निकाले गए हैं। पुरानी कहावत है, बोले हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, मनोहर लाल को भी ले डूबे। अरे इसलिए ले डूबे मनोहर लाल को कि इस खट्टर साहब ने इनको संरक्षण दिया सबसे ज्यादा, इसलिए इनको जाना पड़ा। ये तो कल दुष्यंत अपने भाषण में भी कह रहा था ना, बोला मेरी माँ मुझे कह रही थी, बोला गाग गई खुंटा भी लेगी है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, तू लुटेरा था इसलिए ये भी तेरे साथ साथ ले, इसकी भी राज कट गई। दो बचेंगे माँ बेटा उनमें भी रोड़ा पड़स गए। वहां भी इस बात का झगड़ा होगा कि किसकी वजह से सारा कुछ हुआ। जो लोग किसी के साथ गद्दारी करें, लूट और झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जो किसी के साथ गद्दारी करेगा, धोखा करेगा, विश्वासघात करेगा, कहते ना देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा है। इन्होंने चौटाला साहब के साथ धोखा किया, उनकी पीठ में छुरा गोंदा, उनसे गद्दारी करी। हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में ये जाकर के कह करके वोट लिया था कि हम मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बाहर करेंगे, बीजेपी को जमुना पार करेंगे, उनकी गोद में जाकर के बैठे। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी नीतियों को गिरवी रख। उसी का नतीजा है कि आज इनको जहां सत्ता से बाहर होना पड़ा है, वहीं उसके साथ साथ सत्ता से बाहर मतलब कोई ये नहीं गठबंधन से बाहर हुए, इनको तो लात मार के निकाला है। ये तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे थे, इनसे पहले इस्तीफे की कही गई थी कि तुम इस्तीफा दे दो। इनको तो इससे ज्यादा बेइज्जत क्या होगा कोई व्यक्ति जिसको साफ तौर पर कह दिया कि एक टिकट नहीं देंगे आप, फिर गठबंधन किस चीज का है जब एक टिकट नहीं देने, जिनके बलबूते पे सरकार चला रहे हो, अगर उनको टिकट ना दे तो इसका मतलब इनमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी। इनको तो कहा था तुम छोड़ करके चले जाओ, लेकिन ये छोड़ करके नहीं जा रहे थे, इनको तो आखिर उनको निकालना पड़ा। अभी आप देखना ये जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, इनके यहाँ ईडी भी आएगी, इनके यहाँ सीबीआई भी आएगी, इनके यहाँ बहुत कुछ होगा। ये तभी बारी बारी कहते हैं चौटाला साहब एक बारी कह दे तो हम घर वापसी कर लें, ये हमें और लपेटना चाहते हैं साथ। बड़ी मुश्किल से पेंडा छूटे हैं, कहा गठबंधन है, गठबंधन में तो काटे गए लात मार के, फिर तुम कहते हो टूटा हुआ है। जेजेपी अलग नहीं हुई, फिर आप पत्रकार नहीं हो, जेजेपी कहाँ अलग हुई है? वो तो कल भी बेचारे कह रहे थे हम तो धर्म निभा रहे थे, धर्म निभा रहे थे, है?